Om Sarvatanayaya Shivaya Namaha. Om Siddhaya Namaha. Om Buddhi Pradaya Namaha. Om Shantaya Namaha. Om Gajadvai Maturaya Namaha. Om Mone Sutyaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Jagdaya Namaha. Om Gunatitaya Namaha. Om Niranjanaya Namaha. Om Siddhaya Namaha. Om Varadaya Namaha. Avitabhayaya Namaha. Om Chakrine Namaha. Om Srishaya Namaha. Om Sruti Harshitaya Namaha. Om Jatine Namaha. Om Chandra Chodaya Namaha. Om Amareshwaraya Namaha. Om Nagopavitaya Namaha. Om Srikamaha. Om Vagishaya Namaha. Om Durva Bilvapriyaya Namaha. Om Saumyaya Namaha. Om Achyuttaya Namaha. Om Kaivalyaya Namaha. Om Jnanine Namaha. Om Ayadutaya Namaha. Om Sinduravadanaya Namaha. Vyaktamurtaye Namaha. Om Amurtaya Namaha. Om Srishtarchitaya Namaha. Om Sarvasiddhipradaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnakaya Namaha. Om Lambodaraya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Ganadakshaya Namaha. Ananaya Namaha. Ashtotra Shata Pujanam Sarpayami. Sarvadevanam dukoyam pratigriyatam dukam darshayami Bye.
बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 24 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज़ हुई विवेकम, और 24 तारीख को ही हम गणपति बप्पा को घर ले आए, और 24 तारीख को ही रिकॉर्ड्स टूटने शुरू हो गए, और बहुत खुशी हुई कि मेरी जो डेब्यू तमिल फिल्म है विवेकम, 3 दिन में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस क्रॉस किया है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस काफ़ी ऊँचा जाएगा, और ऑलरेडी काफ़ी टेरिटरीज़ में सेंटर्स में रिकॉर्ड तोड़ रही है पिक्चर, सो वी वेरी वेरी हैप्पी। हाँ बिल्कुल, इस साल गणपति जी हमारे लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेके आए हैं। मेरा जो अमेज़ॉन प्राइम पे शो है इनसाइड एज, वो भी वर्ल्ड का नंबर वन मोस्ट बिंज वॉच शो हो गया है ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इस साल इनसाइड एज और उसके बाद विवेगम, दोनों की जो सक्सेस है, व्यापार में बिजनेस में सक्सेस है, घर पे खुशहाली है, तो गणपति बप्पा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना आशीर्वाद दिया पिछले साल से इस साल में। अभी आपने देखा नहीं, पूजा चल रही थी, पूजा के बीच में भी वो लड्डू खींच रहा था, चुरा रहा था, अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा था, तो विवान है बहुत नॉटी। हाँ बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है कि जब भी मैं उसको कुछ कहता हूँ कि ऐसा मत करो, तो मम्मी या पिताजी या मेरी वाइफ कहती हैं कि जब आप करते थे तो फिर ये कैसा नहीं करेगा, बेटा बाप पे ही जाएगा। तो करता है, खूब बदमाशी करता है, और मुझे लग रहा है कि जितनी बदमाशियाँ मैंने की हैं बचपन से, अब मुझे वो अपनी आंखों से देखते हुए नज़र आ रहा है कि कितना मुश्किल हुआ होगा मेरे माँ बाप को मैनेज करना। ओके, 5 दिन के गणपति में कुछ खास मेमोरीज बता सकते हैं? भाई गणपति हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल इमोशन, स्पेशल मेमोरीज लेकर आते हैं, बट खास, सबसे खास मेमोरीज मुझे याद है जब मैं विवान की उम्र का था, जब बहुत छोटा था, तो अपने मित्र मंडल के साथ में जाता था, और
हम लोग सब गणपति को जुहू बीच में देखने जाते थे। पांचवा दिन का विसर्जन या सातवें दिन का विसर्जन बहुत बड़ा हुआ करता था। मुझे याद है कि आरके स्टूडियोज़ का बहुत बड़ा गणपति हुआ करता था, और ट्रक में लाया जाता था, क्रेन से उठाया जाता था, बोट्स पे डाला जाता था और फिर समुद्र में ले जाके उसकी विसर्जन हुआ करती थी। तो वो जो बड़े बड़े गणपतियों के विसर्जन देखना, जिस तरह से त्यौहार शानो शौकत से मनाया जाता था, मिठाई और प्रसाद के आपको ढेर मिलते थे, तो वो सारी यादें अभी भी मुझे याद आती हैं। इस साल बहुत अच्छा साल रहा, और हर साल की तरह हमने इस साल भी इको फ्रेंडली गणेशा लाया है। कोशिश ये है कि शाड़ू माटी की गणपति से, और जो कलर्स जो हैं वो नॉन टॉक्सिक पेंट्स हैं, सब नेचुरल वेजिटेबल डाइज से या कुमकुम से या केसर से बने हुए हैं। तो ये सब जो नेचुरल पेंट्स हैं, इनसे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है, समुद्र माँ को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो कोशिश ये है कि लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाते रहें, और बहुत खुशी होती है देख के कि इको फ्रेंडली गणेशा का अब जो चलन है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो आप फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं? हाँ बिल्कुल, और कई फ्रेंड्स तो मेरे ऑलरेडी इको फ्रेंडली करते हैं। जैसे आपने रितेश का अगर वीडियो देखा होगा, वो खुद बना रहे थे अपने हाथों से इको फ्रेंडली, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि अगले साल हम साथ में मिलके बनाएंगे। तो अच्छा लगा। आज पांचवा दिन है, कितना सैडनेस है? कोई सैडनेस नहीं है, सिर्फ मूर्ति जा रही है, लेकिन पापा तो हमारे दिल में है, हमारे घर में है। जी जी, बस यही कि प्लीज़ संभालिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और घर से निकलने से पहले सोच समझ के निकलिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, और अपने मोबाइल फ़ोन्स चार्ज करके रखिए कि कभी इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना हो तो अपने हाथ में कुछ होना चाहिए। बस सोच समझ के थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए मुंबई पे इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, उसमें हमें संभलना बहुत ज़रूरी है। गाना यार चलो भाई किधर आ जाओ, गणपति बाप्पा मोरिया। अरे किधर, क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा चल, लेट्स गो। हेलो बाद में फोन कर लिए। गणपति बाप्पा वर्षी लवकर भाई ना पानी है पीछे। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा छतरी में जाओ यार। अरे कैसे बिगड़े हैं तू? अरे आराम से भाई, कैमरा देख। अबे ये तू अरविंद, अरविंद क्या कर रहा है? अरे आराम से रे। बस 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 सब 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 भाई 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 आराम से सर सर सर
ए लवकर लवकर चलो चलो गाइस अभी गाड़ी निकल रही है इसमें आ जाए इसमें आ जाए